हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस्टैब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप के बारे में। गाइस, ये पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने बताया कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई, अप्रेंटिसशिप की, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एस्टैब्लिशमेंट बेसिस पे है। उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है टोटली इस वीडियो में बताया गया, तो जाकर आप देख लीजिए। आप चाहें तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो चलिए, बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता होगा एस्टैब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप होता क्या है। गाइस, आपने आईटीआई पास आउट कर रखा है तो एनसीबीटी पोर्टल यानी कि एमआईएस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एस्टैब्लिशमेंट में ऐसी काफ़ी सारी कंपनियों का आपको लिस्ट मिल जाएगा जो अप्रेंटिसशिप करवाती है, वहां से आप अप्लाई करके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ये वैसा अप्रेंटिसशिप होता है जहाँ से वैकेंसीज की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंपनी द्वारा नहीं निकाली जाती, यानी बहुत कम निकाली जाती है गाइस। तो और जो भी बच्चों को पता होता है कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, ये कैसे पता होता है मैं आपका आगे बताने वाला हूँ। तो वो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और अच्छा खासा वो आपको यहाँ पर स्टाफन वाली जो है अप्रेंटिसशिप पाते भी हैं, और अच्छा खासा कट ऑफ यानी कि कोई हाई कट ऑफ नहीं जाता है, बिल्कुल मीडियम कट ऑफ रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं होता है। और अच्छी वैकेंसीज के अनुसार यहाँ पर उनका सलेक्शन भी होता है, और अच्छी खासी यहाँ पर जो आपको स्टाफन वगैरह भी और वर्कआउट भी मिलता है गाइस। तो इस लॉकडाउन में गाइस, मैं टोटली आपके लिए 10 वीडियो ऐसे लाने वाला हूं, और ये बेटर यानी कि बहुत ही अच्छी आपको ऐसे प्लांट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जहां से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई, उसका मैं वीडियो आपके लिए लाना हुआ। तो ये पार्ट टू है, आप देख सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट 2020, इसके बारे में एस्टैब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप यहाँ पे फॉर्म फिल करके आपको बताने वाले हैं, जो कि टोटली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे इसका फॉर्म फिल करना ये भी बताऊंगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, मेल हो अथवा फीमेल कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अप्रेंटिसशिप को लेकर, वो जरूर अप्लाई कीजिएगा इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई ऑनलाइन करके एक लिंक मिलेगा, जस्ट आपको लिंक को ओपन करना है। लिंक को ओपन करने के बाद जो भी कैंडिडेट यहां पर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी कि आईटीआई पास आउट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आप देख सकते हैं, जो कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपके ऑप्शन जो कि फॉर्म फिल का यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जो कि मैनुअली आपको फिल करना पड़ता है आपके अनुसार यहाँ पे, जो कि आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट के अनुसार, इसके बेसिस पे इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको ईमेल पे आपको एक्टिवेशन एक लिंक मिलता है, उसके बाद वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो कि ए से स्टार्ट हो जाए, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो कि एस्टैब्लिशमेंट में सर्च करके, और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से जितने भी आईटीआई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप सबने अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। अगर आपने नहीं किया अभी तक ले, तो एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कैसे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करना है, टोटली इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है गाइस। तो फाइनली आप उस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर लिए हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मिल चुका है, तो फाइनली आना है इस वेबसाइट पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले बता दिया गया है, और यहां से एस्टैब्लिशमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको मैनुअली क्या करना है, क्लिक कर देना है। नीचे आपको दिखेगा एस्टैब्लिशमेंट सर्च, इस पर आपको मैनुअली जाना, जो कि क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, चाहे तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनियाँ होती है, मान लीजिए आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, रांची से बिलोंग करते हैं, आपके बगल में ही कोई एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और आप चाहते हैं कि मैं यहां बगल में अप्रेंटिसशिप कर लेता तो अच्छा रहता, और यहीं पर सीसीएल की वैकेंसीज आती है, सीसीएल कंपनी है रांची में, तो मेरे लिए यही अच्छा होता। वेदर की यहाँ पे भिलाई में भी वैकेंसीज निकलती है, तो यहाँ पर हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो फाइनली गाइस, मैं ऐसा ही आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके नज़दीक में, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके एरिए में कोई कंपनी है, आपको दूर जाके अप्रेंटिसशिप नहीं करना पड़ेगा, आपको लगे कि मैं इस कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना होता तो कितना अच्छा होता, तो उसी के अनुसार मैं आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। तो फाइनली आपको जो एस्टैब्लिशमेंट नेम है, तो आपके एरिया के बगल में आप चाहते हैं कि कैसे सर्च करना है, तो एरिया के बगल में जो भी कंपनी है आपके, वो कंपनी का नाम आपको सिंपली इसमें जो फिल कर लेना है, उसके बाद अपना स्टेट, यहाँ पे आप स्टेट देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप टोटली जो है स्टेट इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अथवा जिस स्टेट से वो कंपनी आती है, और आप जिस स्टेट से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज आप देखना चाहते हैं कि ये इस स्टेट में, मैं देखना चाहता हूँ कितनी सारी कंपनियाँ हैं
जो अप्रेंटिसशिप करवाती है। तो काम कीजिएगा, स्टेट आप जो है सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, जस्ट आपको नीचे आना, सर्च के ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइस फाइनली जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट नेम, ये वही कंपनी नेम है गाइस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कंपनी नेम टोटली आपको मिल जाएगा। आपको जो भी हिसाब से अगर अप्रेंटिसशिप जो करवाता है यहाँ से वैकेंसीज आपको खाली दिखाई दे देगा। देख सकते हैं यहाँ पे 00 है, इसका मतलब इसके पास अभी वैकेंसी जो है अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए इसके पास अभी देख सकते हैं 74, 75, 76 इस तरह का मैनुअल किया गया है, तो यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। देख सकते हैं ये CCL है जो कि यहाँ पे वैकेंसी जो है अवेलेबल की गई है और ये रांची में ही है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देख सकते हैं गाइस फाइनली बिल्कुल इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। जो भी कंपनी आपको बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड मिल जाएगा धनबाद वाली, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं चलना जाता हूँ जो कि यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट में आपको अप्लाई करके यहाँ पे फॉर्म फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से सर्च करना है गाइस, और फाइनली आपको क्या करना है, जस्ट आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 29 है, यहाँ से देखते हैं सेल बोकारो स्टील प्लांट। जस्ट आपको इस जो ब्लू वाले लिंक है आपको इसको क्लिक करना है। एक्चुअली आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट, 383 टोटली ब्लैंक है, यानी टोटली खाली है यहाँ पर। तो सेल बोकारो आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लू लिंक पर, आपको जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं ऑपरेटर के लिए स्टील प्लांट में वैकेंसीज निकाली गई है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक एम जो आपका टेक्नीशियन है, कार्डियोलॉजी के अंदर में, फिर आपका फिटर के लिए है, फिर आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपका पैथोलॉजी के अंडर में है, टर्नर की वैकेंसीज है। इसी तरह अपना ट्रेड देखना चाहते हैं जो सिंपली आपको 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर आपका ड्राफ्टमैन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, हॉस्पिटल यहाँ पे असिस्टेंट हो गया, यानी आप देख सकते हैं ऑपरेटर हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रिसियन है, काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेड आपको मिल जाएगा। जो भी सिंपली इसको क्लिक करते जाइएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो ट्रेड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं पंप ऑपरेटर की भी वैकेंसी, यानी काफ़ी सारे यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिल जाएगा गाइस। जो भी आपका ट्रेड होगा सिंपली आपको बिल्कुल इसी तरह से क्लिक करना और अपना ट्रेड के अनुसार आपको यहाँ पे अप्लाई कर दे लेना है। अब अप्लाई करने के लिए क्या, तो गाइस अब बात करने वाले हैं इसमें अप्लाई कैसे करें फॉर्म के लिए। मान लीजिए किन्हीं का ट्रेड इलेक्ट्रिसियन है, इलेक्ट्रिसियन के जस्ट बगल में आपको राइट आ जाना है। राइट आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली दिखाई देगा टोटल सीट, टोटल सीट कितना है यहाँ पे 160 है और अवेलेबल सीट कितना है 99 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ब्लैंक 00 दिखाई देगा, इसका मतलब वहाँ पे वैकेंसीज आपके लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो अप्लाई का बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए ये कौन सा ट्रेड है, ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अप्लाई करने के बाद जस्ट आपको नीचे शो करेगा नो वैकेंट, देख सकते हैं नो वैकेंट सीट टू अप्लाई, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैकेंसी जो अभी खाली नहीं है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आपको यहीं पर मैं इलेक्ट्रिसियन की वैकेंसीज पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपके लिए नजर आएगा, इसका मतलब अभी यहाँ पे सीट खाली है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मैंने बोला अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन किए हैं तभी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना पड़ेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी आपको फिल करना पड़ेगा। ईमेल आईडी आप वही फिल कीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन यानी अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करते समय आपने फिल किया था, तो तीनों आपको फिल कर देना है, बस मात्र इतना ही आपका प्रोसेस होता है इसका जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो फाइनली आप देख सकते हैं गाइस ये रहा आपका एप्लीकेंट नंबर, बिल्कुल इसी तरह से आपको फिल करना है, DOB हो गया, उसके बाद अपना ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद यहां पे जस्ट आपको नीचे आना और अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है गाइस। उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा, आप देख सकते हैं अप्लाइड सक्सेसफुली कोने में ग्रीन कलर का बटन, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं HR वगैरह का नंबर आपको मिलेगा कुछ जो कि प्रमुख हैं, आप यहाँ से मैनुअली कुछ दिन के बाद इसको फ़ोन करके बता भी सकते हैं कि सर मैंने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है अभी तक ले, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो या फिर ना आए तो। मान लीजिए आप यहाँ पे अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो गाइज यहाँ पे 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद ईमेल में आपका जो है यहाँ पे जो ऑफर लेटर आता है, यानी आपको DV के लिए बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद मेडिकल होता है, फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। और बहुत ही कम कटअप में गाइज यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, एक अच्छी खासी जो आपको स्टाफन में मिलती है, मैनुअली आपको वही सेम टू सेम चीज़ होता है, लेकिन यहाँ से एक ही है कि यहाँ पे बच्चे कम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस है वो ज़्यादा रहता है गाइज। और एक बात गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी फॉर्म बताते हैं कि सर मैंने यहाँ से अप्लाई किया तो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, एक बार में आप जितना सारा प्लांट है जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सारे में अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल
जो है इसमें कोई भी चार्ज फ्री कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, सब में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा जो भी कंपनी से, तो उसके बाद आप कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल नहीं रह जाएंगे अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आपको इतना याद रखना होगा गाइज। और बिल्कुल आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी आप जो है बिल्कुल फ्री है, यानी कहीं से भी अप्लाई करिए, एकदम बिल्कुल फ्री कॉस्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। ऐसी बात नहीं आपको इतना ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से ही अप्लाई करना, सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं आपके लिए जो भी नज़दीक कंपनी है। तो आई होप गाइज एस्टैब्लिशमेंट सर्च क्या है, एस्टैब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशनशिप, यहाँ पर कैसे अप्रेंटिसशिप करना है, काफ़ी सारे इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा, आपका हेल्प किया जाएगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की पर्पल की अपडेट पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।